मट्टी वाली बनाते हैं जो कुमार लोग बनाते विसर्जन करते हैं तो अपन छोटे तालाब बड़े तो रहे नहीं छोटे तालाब है जिसमें वो जो गार होता है वो होता है वो मट्टी वाले वो गार होते हैं वो उसके बाद में उसमें जो केमिकल होता है उससे पानी प्रदूषित होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अपने कुछ तो भी पर्यावरण के माध्यम से कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये इसका किया तो इसमें क्या होगा कि ये जैसी पानी के अंदर में अपन विसर्जन किए तो इसमें से जो गोबर है इसमें कुछ और बीजा वीजा डाला हुआ है तो वो सब मच्छियों को खाना करके मिल जाएगा। और जो इसका ये जो गोबर है वो पूरा विघटन हो जाएगा इसका कोई गार वार नहीं होगा कुछ नहीं होगा उल्टा इसका तो फर्टिलाइजर करके यूज होगा वो वहाँ पे वनस्पति वगैरह है उनको इसका फायदे होंगे। ये मैं 3-4 साल से छोटी छोटी करते आ रहा हूँ बच्चों के लिए होना चाहिए। तो फिर मैंने वो पिछले बार जो वहाँ पे सर थे तो उन्होंने बोले थे कि अपन इसका बहुत बड़ा ये करेंगे तो अगले साल 10 मूर्तियां बना के देने का। तो बीच में क्या हुआ कि मेरा ये हाथ कटा एक ब्लेंडर मशीन से तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा और इसलिए मैं चुप था। उन सर को भी मालूम था कुछ नहीं ना एक काम करो आप अभी जैसी मेरे को समझा के बताया आपने वैसी उस दिन प्रोग्राम लगा हमारा तो बच्चों को आप समझा के बताओ और वो मूर्ति का प्रदर्शन भी करेंगे अपन और अगले साल से फिर है ना आइडल मेकिंग कंपटीशन रखेंगे अपन इसी चीज के गोबर से बाकी फर्टिलाइजर जो बायो फर्टिलाइजर है उसका यूज करके। अभी सर से बात कर लेते अपन मुझे लगा आप लेकर आए हो नहीं वो लेकर यानी आनी सफर मैं साइकिल से आता हूँ। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं सरगांव रहता हूँ। सरगांव मतलब साकेटोला ना? साकेटोला सरगांव। हाँ गाड़ी चलाना आता है मगर मैं पर्यावरण के हिसाब से भी मैं गाड़ी बहुत कम चलाता था मगर बीच में मैं 2-3 साल के पहले मैं एक कुएं में गिरा था और मेरी हड्डी की हड्डी है ना हड्डी तो 4 हड्डी टूटी हुई है। जो गाड़ी पर बैठो तो गाड़ी चलाते समय इसमें दर्द होता है और साइकिल से नहीं होता। और मैं अभी बीच में पिछले साल मैं मेरे को जब ये अपना कुर्सी रत्न पुरस्कार मिला तो मैं नागपुर साइकिल से गया नागपुर साइकिल से और उसका मकसद यही था एक काम कर कि लोगों को इसका ये कि जो पेट्रोल से कितने लोगों को हानि होती है ये सोच के जैसा अपन पेट्रोल चलाते हैं पेट्रोल में से कार्बन निकलता है कार्बन से अपने को तो सुविधा अच्छी होती है मगर और इतर जो लोग हैं उसमें कुछ ना कुछ अंश तो जाएगा जब मैं कार्बन करूँगा तो मेरा कुछ अंश जाएगा तो वो नहीं होने को होना और कुछ पेट्रोल बचने को होना ये उद्देश्य लेके मैं निकला था और ये करते हुए वहाँ तक गया। तो आप यहाँ से नागपुर गए तो आपको तकलीफ नहीं हुई? नहीं तकलीफ नहीं हुई जा हौसले बुलंद रहते वहाँ पे पर बहुत दूर है ना नागपुर जी मेरी वहाँ गया और वहाँ से आया और आया तो आया इतना भी फिर रास्ते में मेरे को आर्मी वाले मिले आर्मी वाले वो थोड़े से मेरे को पूछताछ किया उसके बाद में उन्होंने मेरी ट्रायल भी लिए तो मैं उनके साथ में यानी साइकिल से बोले बाजी बस बोले आपने बहुत ही एनर्जी है बोले और आप बोले अब हमको तो बोले हर दिन का है बोले आप बोले आपको बहुत दूर जाना है बोले आप तो मतलब
फिर आपके हाथ में लगा हुआ है तो आप फिर अभी मूर्ति कैसे बनाओगे? एक हाथ से बना। ये बनाने का उद्देश्य ये था, बना तो नहीं पा रहा था, मगर एक दिन जैसा कुर्सी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर में क्या हुआ कि ये विजय मांझी एक पत्रकार नहीं गया, वो आए और वो वहाँ पे हमारी चर्चा निकली उस कार्यक्रम के अंदर। तो बोले, मैंने बोला बोला ये हाथ की वजह से लोगों को मालूम है। अरे यार बोले, तू तो कुछ भी कर सकता है बोले, तेरे क्या नहीं है बोले, तू कुछ भी कर सकता है बोले। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरी मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ये किया, मैंने बोला जब ये लोग मेरे को इतना प्रोत्साहन देते हैं तो मैं ना क्यों करके क्यों ना देखूं। और फिर मैंने किया तो 5-6 मूर्ति खराब हुई। फिर मैंने ये मूर्ति गई तो दूसरे आखिरी रिजल्ट लिया तो इसमें मैंने पैरा डाला, पैरे के ऊपर गोबर का लेप लगाया, फिर उसको फिनिश किया। एक थोड़ा ये रहता है पर ये उन्हें कोई काम नहीं करती, सीधी खड़ी रहती है, तो मैंने एक ही हाथ से लिया। धन्यवाद कागज जी। आपका नाम? सुरेश बोहरे, खेती के नाम से। आपको अभी कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? मेरे को समाज पुरस्कार मिला है और कीर्ति रत्न करके, और उसके बाद में सम्मान जगह में सम्मान हुआ है। धन्यवाद। ठीक है।